क्या आप जानते हैं कि आपके नौनिहालों की आंखें खतरे में हैं? जी हाँ, आपके मासूम बच्चों की खूबसूरत निगाहों पर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा कोरोना अपने साथ लाया है। वही कोरोना जिसने पूरी दुनिया की हालत पस्त कर रखी है। कोरोना क्या आया जैसे पूरी दुनिया थम सी गई है और इसी थमी हुई दुनिया का दामन पकड़ रखा है इंटरनेट ने। इंटरनेट ने इस महामारी में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। स्कूल बंद हुए तो क्या हुआ, इंटरनेट है ना। कोरोना के चलते बच्चों का स्कूल इंटरनेट पर चल रहा है। जहां माता पिता पहले ही बच्चों को लगती मोबाइल की लत से परेशान थे, अब वही माँ बाप अपने बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल देने के लिए मजबूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लैपटॉप और मोबाइल बच्चों की आंखें खराब कर रहा है? जी हाँ, मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों के लिए बेहद खतरनाक होती है। आमतौर पर बच्चों का शारीरिक विकास 18 वर्ष की आयु तक होता है। ऐसे में यदि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन या लैपटॉप देते हैं तो उससे निकलने वाली नीली रोशनी विकसित हो रही रेटिना और कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। रिसर्च बताती है कि इस ब्लू लाइट से रेटिना की लाइट सेंसिटिव सेल्स डैमेज होने लगती हैं और लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर पढ़ने या काम करने से सरदर्द, मोतियाबिंद और अंधापन तक हो सकता है। यही नहीं, लैपटॉप देखते समय बच्चे अपनी आंखें कम झपकाते हैं जिससे आंखों में रूखापन, सरदर्द, नींद न आने जैसी समस्या होती है और नींद में आने वाली कमी दिमागी असंतुलन तक पैदा कर सकती है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2050 तक दुनिया की 50% आबादी मायोपिया यानी आंखों की रोशनी कम होने की समस्या से जूझ रही होगी। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन स्टडी कराने के लिए मजबूर हैं। बच्चे ही नहीं, वयस्क भी दिन के कई घंटे लैपटॉप या मोबाइल पर बिताते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना उनके लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना बच्चों के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे अपने नौनिहालों की नाजुक आंखों को बचाया जाए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में टीवी, टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल पर घंटों ताकने वाले बच्चे देखे जा सकते हैं। अमेरिका में बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक बच्चे वहां 5 से 7 घंटे कंप्यूटर या मोबाइल पर बिताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगली पीढ़ी पर आए इस संकट को भांपते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही स्क्रीन टाइम दिया जाए। साथ ही कोरोना से बचाव के जरूरी एहतियातों के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां, खेलकूद या व्यायाम पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही 2020 रूल भी इस समस्या को कुछ हद तक रोकने में कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। 2020 यानी 20 मिनट स्क्रीन टाइम और उसके बाद 20 मिनट ब्रेक। आंखें दुनिया का वो नायाब तोहफा हैं जिससे दुनिया की सारी रंगीनियां देखी जा सकती हैं। आंखों का ख्याल रखें ताकि दुनिया की सारी खूबसूरती आप इसमें बसा सकें। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज़।